Today's lecture is for class 6, subject Sanskrit. Now, today we are going to discuss about lesson number 8, Kakasya Chaturyam. Kaka means crow and Chaturyam means cleverness. Here the story of crow's cleverness. Which picture we can see? That in first picture there is a banyan tree in a forest. Ekasmin vane ekaha vatvrikshaha asti. Vatvrikshaha means banyan tree. Vane means in the forest. There is a banyan tree in a forest. Ek jungle mein ek bahut bada banyan tree tha. तत्र काकः वसति. A crow lives there. वहां पे एक क्रो रहता था. काकस्य पत्नी शावकैहै सह तत्रैव वसति. और उसके साथ कौन था? उसकी वाइफ थी एंड शावकैहै उसके यंग वंस भी थे, उसके बच्चे भी उसके साथ. सह यानी साथ, तत्रैव वहां, वसति रहते थे. A crow's wife and his young ones lives with him there. तस्य वृक्षस्य अधः, अधः means under, कोटरे, कोटरे means जो हॉल होता है ना पेड़ के नीचे, in the hollow, एकः सर्पः वसति. So a snake lives under the tree in the hollow. उसके जो tree के नीचे एक hall था, वहाँ पे एक सांप रहता था. Now we can see in the second picture, a dangerous snake. एकदा काकः भार्यया सह आहारार्थम गच्छति. एकदा means once, one day. भार्यया, भार्या means पत्नी, वाइफ. भार्यया सह, उसकी वाइफ के साथ. आहार प्लस अर्थम, आहार के लिए गच्छति जाता है. One day, a crow goes for food with his wife. वो कहीं खाने का ढूंढने के लिए वो कहीं पे जाते हैं. तदा सर्पः एकं शावकं खादति. सांप ने देख लिया होगा कि अभी तो वो दोनों नहीं है, सो वो ऊपर चढ़ के एक बच्चे को खा गया. स्नेक इट्स अ यंग वन. एंड इन द थर्ड पिक्चर वो जो प्रो है और उसकी जो वाइफ है वो रिटर्न आते हैं, तो वो देखते हैं कि हमारे इसमें से एक बच्चा नहीं है. यदा काकः आगच्छति पश्यति च. जब प्रो आता है, आगच्छति यानी आता है और पश्यति यानी देखता है. When प्रो comes and says that एकः शावकः नेड़े नास्ति. न प्लस अस्ति नास्ति कि नीड़े यानी कि इन द नेस्ट. नीड यानी नेस्ट एंड नीड़े यानी कि इन द नेस्ट. यंग वन नॉट इन द नेस्ट. वृक्षस्य अधः सर्पम दृष्ट्वा. अधः यानी कि नीचे, वृक्ष के नीचे सांप को देखकर. दृष्ट्वा सीइंग द स्नेक अंडर द ट्री काकः वदति. अ क्रो सेज अहो एषः दुष्टसर्पः शावकं खादति. अरे यही जो क्रूअल स्नेक है उसने ही हमारे यंग वन को खाया है. कंचित उपायम करो में. कुछ तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. इति विचिन्त्य यह सोचकर काकः नदीं प्रति गच्छति. जो क्रो है वो नदीं प्रति गच्छति
वहां रिवर होती है पास में, वहां जाता है। तत्र राजकुमारी स्नानम करोती, तत्र यानी कि वहां राजकुमारी प्रिंसेस स्नानम करोती, टेकिंग अ बाथ, वहां पे कोई राजकुमारी होती है वो बात कर रही होती है। तस्याः सुवर्णहारः नदी तीरे अस्ति, तो वो जो अपने ज्वेलरी है वो वहां पे जो बैंक ऑफ द रिवर है वहां पे वो उतार के रख दिया है उसने। सो तस्याः यानी कि उसका सुवर्णहारः गोल्डन नेकलेस नदी तीरे अस्ति, जो रिवर का बैंक है उसके ऊपर पड़ा है। चतुरः काकः सुवर्णहारम् अपहरति, तो जो वो क्लेवर प्रो है उसने क्या किया, सुवर्णहारम नेकलेस को अपहरति लेकर चला जाता है। He picks up a golden necklace. Then, क्या था अभी हमने देखा कि वहां पे कोई जो सोल्जर था वो भी वहां देख रहा था। सो काकः सुवर्णहारम पोटरस्य अंतः क्षिपति, क्षिपति यानी रख देना। जो वो प्रो था उसने जो नेकलेस था उसको कहाँ रखा, हॉलो के साइड में, कोटरस्य अंतः जो हॉल था उसके एंड पर रख दिया। सैनिकः काकस्य पृष्ठे आगच्छति, जो सोल्जर था वो प्रो के पीछे पीछे, पृष्ठे यानी पीछे, आगच्छति यानी आता है। अ सोल्जर कम्स टुवर्ड्स प्रो। होटरे सुवर्णहारम सर्पम च पश्यति, सो वो हॉलो देखता है और क्या देखता है कि नेकलेस और सांप को देखता है, पश्यति यानी देखता है। सह चिंतयति, वो सोचता है सिंकिंग, अहो प्रथमम सर्पम मारयामि अनंतरम हारम नयामि, कि सोचता है कि अगर मैं ये हार लेने जाऊंगा तो वो सर्प मुझे बाइट कर लेगा, तो पहले क्या करता हूँ, स्नेक को ही मारता हूँ, बाद में ये नेकलेस लूंगा। वो सोचता है अहो प्रथमम सर्पम मारयामि, कि चलो पहले मैं मुझे स्नेक को मारना होगा, एंड देन अनंतरम और उसके बाद हारम नयामि, बाद में नेकलेस लेता हूँ। इन द लास्ट पिक्चर एंड इन द लास्ट पैराग्राफ सैनिकः सर्पम मारयति हारम नयति, जो वो सोल्जर है वो स्नेक को मार देता है। He kills a snake and takes a necklace, और हार को ले जाता है, नयति ले जाना। काकः वदति प्रो सेज अहो सर्पः मृतः, अरे ओ स्नेक इज डेड, एंड अधुना सुखेन वसामि, अधुना मीन्स नाउ, अब सुखेन हैप्पीली वसामि मीन्स रहूंगा, नाउ आई लिव हैप्पीली। सो हियर द सो स्टोरी दैट काकस्य चातुर्यम, कि क्रो है वो अपनी चतुराई से कैसे सांप को भी मात देता है। वैसे तो सांप डेंजरस होता है, लेकिन ऐसी भी डेंजरस कोई होता है उसके साथ भी हम अगर बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हमारा काम भी हो जाता है। यहाँ पे एक और शीर्षक भी बनता है इसका टाइटल, बुद्धि का बल। सो हियर टाइम फॉर क्लोजरी। अधः यानी कि बिलो अंडर, कोटरे इन द हॉलो, एकस्मिन एनीवन बंदे, बच्चे, सह विथ उसके साथ, तत्रैव देयर ओनली वहां ऐसा, आहार अर्थम आहार प्लस अर्थम यानी कि फॉर फूड, खाना का ढूंढने के लिए या खाने के लिए, पृष्ठे मीन्स बिहाइंड पीछे, अनंतरम लेटर ऑन यानी कि उसके बाद, नयामि आई एम टेकिंग यानी कि मैं लेता हूँ, अधुना मीन्स नाउ यानी कि अब, नीड़े मीन्स इन द नेस्ट यानी कि घोंसले में, कंचित मीन्स एनी, विचिंत्य मीन्स आफ्टर थिंकिंग ऐसा सोचकर, अपहरति इज टेकिंग अवे
कुछ लेके जाना, रॉबरी करते हैं ना जो। विशेषः तत्रैव, तत्रैव की संधि क्या है, तत्र प्लस एव मीन्स तत्रैव। नाउ टाइम फॉर एक्सरसाइज, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स क्लियरली। मैं जो प्रोनाउंस कर रही हूँ वो आपको भी प्रोनाउंस करना है। शाव कई है, दुष्ट सर्प, विचिन्त्य सुवर्ण हारम, चिंतयति। एंड सेकंड इज कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस फॉलो द इलस्ट्रेशन। कि जो जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है वैसे ही हमको करना है। सर्प डैश वसति कोटरम, तो सर्प कोटरे वसति। कोटरम मीन्स हॉल, कोटरे मीन्स इन द हॉल, इन द हॉलो। द फर्स्ट इज सिंह डैश वसति वनम, तो वनम यानी कि फॉरेस्ट, एंड वने यानी इन द फॉरेस्ट। सिंह वने वसति, अ लायन द लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट। मनुष्यः ब्लैंक वसति नगरम, सो हियर वी विल राइट नगरे इन द सिटी। मनुष्यः नगरे वसति। सो थर्ड वन इज खगः ब्लैंक वसति नीडः मीन्स नेस्ट, एंड नीडे मीन्स इन द नेस्ट। द बर्ड लिव्स द नेस्ट। फोर्थ इज वानर ब्लैंक वसति वृक्ष, सो हियर वी राइट वानर वृक्षे वसति। द मंकी लिव्स इन द ऑन द ट्री। फिफ्थ इज मत्स्य जले वसति, मत्स्य जले वसति। The fish lives in the water. Third is same as example में जैसे दिया हुआ है वैसे करना है। काकः नदीं प्रति गच्छति, प्रति यानी कि की तरफ जाना, के प्रति जाना, गच्छति। सो यहाँ क्या है कि नदी का, नदीं प्रति नदी के प्रति। तो हियर फर्स्ट में क्या होगा, छात्र ब्लैंक प्रति गच्छति शाला, तो यहाँ पे लिखेंगे शालाम, छात्र शालाम प्रति गच्छति। कृषिक क्षेत्रम प्रति गच्छति, व्याघ्र वनम प्रति गच्छति, हंस सरोवरम प्रति गच्छति। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल की ओर जा रहे हैं, जो किसान है वो खेत की ओर जा रहा है, जो टाइगर है वो फॉरेस्ट की ओर जा रहा है, और जो स्वान है वो लेक की ओर जा रहा है। एंड हियर फोर्थ इज यू हैव टू राइट इन लेजिबल हैंड राइटिंग, बट फर्स्टली यू हैव टू रीड द सेंटेंस एंड देन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक एज इट इज। देख देख कर आपको ये सेम लिखना है। And the last exercise is write here the words which your teacher dictates you. तो ये possible है अगर live class है तो आप class में हो और teacher word को बोलते हैं और आपको लिखना है। But here I have written five of word. So आपको पहले देखना है और बाद में वो बिना देखे आपकी notebook में। So all of the exercise 2 to 5 you have to write and learn it, and also try to translate this lesson in Hindi in the notebook. Thank you.